यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टार्ट योर हिंदी पीरियड। आज बेटा मैं हिंदी व्याकरण का आपको काम करवाऊंगी। ओके, आज हम हिंदी व्याकरण का काम करेंगे। लेट्स गो नाउ लेसन वन। भाषा क्या है, फर्स्ट चैप्टर हम रीड करेंगे, भाषा क्या है। ठीक है ना, ये देखो बच्चों, ये यहाँ से आवाज़ आ रही है टाई टाई। ठीक है, टाई टाई की आवाज़ आ रही है। ठीक है, खो खो खी खी। ठीक है, मैं ठीक है, वहाँ ये आवाज़ किसकी है, ये जानवरों की है। ये देखो, ये तोता है। तोता कैसे आवाज़ करता है, टीन टी की आवाज़ करता है ना, टाई टाई ऐसे बोलता है। और मेंढक कैसे बोलता है, खी खी ऐसे बोलता है। ठीक है, और ये बकरी है, बकरी कैसे बोलती है, मैं। ठीक है, बच्चा कैसे रोता है, वहाँ वहाँ छोटा बच्चा ऐसे रोता है ना, और सांप पुकारता है उसको, ऐसे पुकारता है। ठीक है ना, तो ये इन सब की आवाज़ है। ये जो कोई बोलता है वही भाषा है। ठीक है ना, वही क्या है, भाषा है। ये देखो संकेत, ऊपर दिखाए गए सभी जीव जंतुओं के मुख से कुछ न कुछ कुछ आवाजें निकल रही है, जिनसे वे अपनी बात समझा रहे हैं। हम भी बोलकर किसी को अपनी बात समझाते हैं ना, या लिखकर समझाते हैं, या पढ़कर समझाते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार जानवर भी बोलते हैं, वो भी बोलकर अपनी बात को समझाते हैं। ठीक है, अब चित्र में देखिए और उनके साथ कही गई बातें पढ़कर समझिए। ये देखो, ये चित्र है, ये पिता है और इसकी बेटी है। ठीक है, पिता क्या कहते हैं, बेटा ये शेर है, पिताजी यह कौन है। बच्चा पूछ रहा है, ये लड़की पूछ रही है, पिताजी ये कौन है, तो पिताजी बता रहे हैं, बेटा यह है शेर है। ठीक है ना, बालिका बोल का सवाल पूछ रही है और पिताजी सुनकर जवाब दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का सिपाही अपनी बात इशारे से समझा रहा है। ठीक है, भाषा हम कोई भी भाषा को हम इशारे से भी समझा सकते हैं। ये जैसे ट्रैफिक पुलिस इशारे से बता रहा भी, एक बार रुको, फिर इधर से इशारा करता है भी चलो। ठीक है, हाथ के इशारे से वो ट्रैफिक को बताता है क्या करना है। ठीक है ना बच्चों, दिए गए चित्रों में अलग अलग तरीकों से बातचीत की गई है। पिताजी और बालिका का आपस में सवाल जवाब करना, ट्रैफिक पुलिस का इशारे से अपनी बात समझाना, ये भाषा है। ठीक है ना, घर में भी हम बोलकर लिखकर ठीक है, ये सुनकर अपनी बात को समझाते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते हैं। ठीक है, अपनी बात को समझाते हैं, वही भाषा है। बोलकर सुनकर पूछकर या बताकर एक दूसरे की बात को समझना या समझाना क्या है, भाषा है। ठीक है, यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे को बोलकर समझाते हैं या समझते हैं। ठीक है, भाषा कैसी कैसी है। बच्चों बातचीत के अलग अलग तरीके हैं। अमन मुझे भी क्रिकेट खेलना है, ये बोलकर बच्चा कह रहा है मुझे भी खेलना है। ठीक है ना, इधर ये अमन सुन रहा है। ठीक है बच्चे, यहाँ एक बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है और दूसरा बच्चा उसकी बात सुनकर समझ रहा है। ये भाषा का मौखिक रूप है। जो हम बोलते हैं वो भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। और लिखना ठीक है, दूसरा रूप है लिखित रूप। अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। इस तरह सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना भाषा के चार कौशल है। भाषा के कौन कौन कौशल है, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पहुंचाती है। भाषा के दो रूप है, मौखिक लिखित, और तीसरा रूप है बच्चों सांकेतिक। ठीक है, इशारे वाली भाषा होती है उसको हम सांकेतिक भी बोलते हैं। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना भाषा के चार कौशल है। ये आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर भाषा वाला। ठीक है, ये इसका बुक वर्क है। ठीक है ना, ये तो आपके ओरल है। ठीक है, ये आप नन्ना बच्चा भूख लगने पर क्या करेगा। ठीक है, छोटा बच्चा होता है क्या लगता है, क्या करता है, वो रोने लग जाता है। भूख लगने पर आप अपनी माँ को कैसे बताते हो, ठीक है, बोलकर बताते हो ना, अभी मम्मा भूख लगी है। आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हो वो यहाँ लिखना। ठीक है ना, यदि आपको कुछ चाहिए तो आप अपनी बात माँ को कैसे बताएंगे। ठीक है, ये तो आपके ओरल थे। ठीक है, अब हम सही गलत पे सही गलत लगाएंगे, निशान लगाएंगे सही गलत के। ठीक है ना, जैसे हम बोल कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, सही है, हम बोल कर ही पहुंचाते हैं ना, तो ये सही आएगा। ठीक है, हम सुनकर दूसरों की बात नहीं समझ पाते, ये गलत है। हम सुनकर दूसरों की बात समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। ठीक है, पशु पक्षी भी बोलते हैं, यस बोलते हैं, ये राइट है। ठीक है ना, बोलना और सुनना भी ही भाषा के कौशल नहीं, चार कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये दो नहीं होते, इसलिए ये गलत है। ठीक है ना,
ये सही पे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, ठीक है ना। जो लोग बोल नहीं सकते वे दूसरों को अपनी बात कैसे कहते हैं, इशारे से या बोलकर? इशारे से कहेंगे, इशारे से। ये सही है। हम पुस्तक में लिखी बात कैसे समझते हैं, ये बुक है, बुक में हम कैसे समझेंगे इनको? पढ़कर ना, लिखकर या फिर पढ़कर समझेंगे, तो ये सही है, ठीक है। ये आपको इतना काम करना है बेटा, बुक वर्क और ये लेसन रीड करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।